ये जो स्क्रीन साइज रहेगा इस पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा कुछ भी देखने में, मूवी देखो, वीडियो देखो या जो भी करना है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। गेम वगैरह भी खेल सकते हो इसमें लगाकर आप। ऑलराइट गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे सस्ता में सबसे अच्छा प्रोजेक्टर। एक्चुअली प्रोजेक्टर का वीडियो बनाने का ख्याल मेरे माइंड में इसलिए आया, आपको पता होगा कि मैं न्यू प्लेस पर शिफ्ट किया हूँ, तो ना तो यहाँ पे टेलीविजन है और ना ही कुछ जहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इंटरटेन कर सकूँ। हाँ, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, बट यार छोटे छोटे डिस्प्ले पर देखने में मज़ा नहीं आता है, जो एक मज़ा आता है टेलीविजन या प्रोजेक्टर पे। अब टेलीविजन सर्च करने के 42 इंच, भाई साहब एक तो प्राइस 42 इंच का इतना ज़्यादा रहता है और मज़ा भी उतना नहीं आएगा जितना एक प्रोजेक्टर में आ सकता है। अब एक सस्ता और अच्छा प्रोजेक्टर ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो मैं अपना लैपटॉप लिया, गूगल पे सर्च किया बेस्ट प्रोजेक्टर इन लो बजट, तो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्टर आ रहे थे सस्ते सस्ते, बट यार इतना अच्छा फीचर नहीं था। लेकिन थोड़ा देर और रिसर्च करने के बाद मुझे दिखा एक अमेजॉन पे एक मस्त जेब्रोनिक्स का प्रोजेक्टर, जो फीचर में भी काफी अच्छा था और प्राइस में भी मस्त था, 10,000 में काफी अच्छे अच्छे फीचर दे रहे थे, तो मैंने इसे ही बाय कर लिया। तो फाइनली गाइस ये प्रोजेक्टर मेरे पास आ गया है, जैसा आप देख सकते हो। हाँ, ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर नहीं है, तो चलो फटाफट डब्बा को कट करते हैं और निकालते हैं इसमें से प्रोजेक्टर। गाइस प्रोजेक्टर का भी कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लाइफ में। एक्चुअली बहुत समय पहले की बात है, जब मेरे घर में टेलीविजन भी नहीं हुआ करता था, तो कहीं कहीं प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पर जाकर मैं प्रोजेक्टर में फिल्म देखता था और काफ़ी मज़ा आता था। आप रिलेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो देखो डब्बा यहाँ पे दो दो है, तो गाइस ये देख सकते हो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिजाइन में ये प्रोजेक्टर यहाँ पर रखा गया है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर आएंगे हम थोड़ी देर में, और देख लेते हैं इस डब्बे में क्या किया है। ओ, तो इसमें कुछ क्लीनिंग का आइटम दिया गया है जिससे हम लेंस वगैरह को क्लीन करेंगे। इसके बाद एक यहाँ पावर कोड केबल है जिससे हम इसे करंट देंगे, यानी कि जिससे ये चलेगा ऑफकोर्स। ओके, एक यहाँ पे HDMI to HDMI केबल है, एंड इसके बाद एक यहाँ पे रिमोट दिया गया है, और सच बताओ तो रिमोट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पतला सा रिमोट है, एंड यहाँ से आप साची ऑपरेट कर सकते हो। गाइस सबसे पहले इस प्रोजेक्टर का आप डिज़ाइन देखो, एक तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, पूरा व्हाइट कलर का है, एंड नीचे तरफ यहाँ पर रबर का मटेरियल दिया गया है। इसे आप तीन तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, एक तो आप सीलिंग में लगा सकते हो, सेकेंड आप किसी डेस्क वगैरह पर रख सकते हो अगर आप ऑफिस में इसे यूज करना चाहते हो तो, और थर्ड ट्राइपॉड भी लगाकर आप इसे यूज कर सकते हो, और फोर्थ मैं आपको बताऊं जुगाड़ भी लगा सकते हो, कहीं पे भी डब्बा वगैरह पर रख के अटका सकते हो। अब आपके ऊपर है आपके अंदर कितना काबिलियत है, ओके आप वहाँ पे अटका सकते हो। ओके, और गाइस इसका जो वजन है 800 ग्राम के आसपास है, एक टेलीविजन का वजन देखो और एक प्रोजेक्टर का वजन देखो, जमीन आसमान का अंतर है, आपको ही पता है। देखो पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो बैक साइड में यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स है और एक बटन भी है, दो आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, इसका देख HDMI पोर्ट है, एक आपको AUX पोर्ट मिल जाता है, और एक यहाँ पे IR सेंसर है जो आप इसे रिमोट से ऑपरेट करोगे बैक साइड से, तो ये काम करेगा। एक पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है, एक पावर कोड के लिए यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आप लगाकर इसे ऑन करोगे। अब दोनों साइड आप देखोगे तो वेंट आपको देखने को मिलेगा, एक साइड का वेंट आप खोल भी सकते हो, जहाँ से अगर थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह है तो उसे आप चाहो तो निकाल सकते हो। और सामने तरफ यहाँ पे मस्त ब्रांडिंग किया गया है लेंस है यहाँ पे, और ये जो लेंस है गाइस ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है फोकस को, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद एक मस्त सा यहाँ पर लाइन बनाया गया, डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है, नो दिक्कत। तो चलो पेपर वाली बातचीत कर लेते हैं। स्पेक्स जो इसका है ये 1080p वीडियो सपोर्ट करता है, ऐसे ही 720p वाला प्रोजेक्टर है, इस प्राइस में आपको 720p ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा प्राइस अप करोगे तो आपको फुल HD भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरा बजट 10,000 था तो काम चल जाएगा, अप स्केल कर देता है 1080p, अच्छा दिखता है। अब ये जो प्रोजेक्टर है ये अप टू 170 इंच तक ये आप इसे कर सकते हो, ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है यार। तो ये जो स्क्रीन साइज रहेगा इस पर आपको काफ़ी मजा आएगा कुछ भी देखने में, मूवी देखो, वीडियो देखो या जो भी करना है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, गेम वगैरह भी खेल सकते हो इसमें लगाकर आप। ओके, और इसमें आपको 3000 लुमेंस और 30,000 घंटे का लाइफ लॉन्ग आपको लैंप देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद गाइस इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी लगा है, जो सच बताऊं तो काफ़ी अच्छा साउंड करता है, लेकिन मैं पर्सनली दो स्पीकर यूज करता हूं लेफ्ट और राइट साइड में, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ये आपका काम आ जाएगा, अगर आपके पास एडिशनल स्पीकर नहीं है तो इसका भी स्पीकर काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इससे भी मिल जाएगा आपको। साथ में आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। चलो ये तो हो गई इसकी पेपर वाली बातचीत, अब आते हैं इसके रियल टेस्टिंग के ऊपर, कितना मजा आता है इसे यूज करके। तो गाइस रिमोट से आप बहुत कुछ कर सकते हो, सबसे पहले पावर ऑन ऑफ हो गया, म्यूट कर सकते हो, और ये जो तीनों बटन दिख रहा है इससे आप फोकस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, एंड ये तो आपको पता ही है, एंड इसके बाद ये जो तीनों बटन है इससे आप मेनू में जा सकते हो, इससे बैक हो गए, एंड ये जो प्लस माइनस है इससे ऑफकोर्स आप वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक्चुअल किस तरह से वर्क करता है इसका रिमोट। तो यही ब्लर है, एंड इस तरह से आप फोकस वगैरह एडजस्ट कर पाओगे, देख सकते हो यहाँ काफी अच्छे तरीके से फोकस एडजस्ट हो जा रहा है, काफी प्रिसाइसली यहाँ फोकस को आप एडजस्ट कर पाओगे। अब गाइस सेटिंग में आने के बाद आपको प्रोजेक्शन मोड देखने को मिलता है, जहाँ से आप इमेज को स्केल कर सकते हो, जैसे ये 720p वाला प्रोजेक्टर है तो आप इसे 1080p में कर सकते हो,
कुछ इस तरह से यहाँ पे 100% है, तो ये अभी 1080p फुटेज आपको दिखाएगा। इसके बाद कलर रेंज हो गया, कलर रेंज आप चेंज कर सकते हो, जैसे अगर आपको चेंज करना है कलर साइकिल तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो, जहाँ से 4:3 और 16:9 आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या ऑटो पे डाल दो, ये ऑटोमेटिक सारी चीज स्विच करता रहेगा। पिक्चर मोड में आओगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस और कलर वगैरह को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे डायनेमिक है। इसके बाद आप इसे माइल्ड कर सकते हो, यूजर कर सकते हो, एंड इसका स्टैंडर्ड हो गया। इसे अगर आप डायनेमिक पे रख के छोड़ते हो तो काफी अच्छा आपको फुटेज दिखाएगा। इसका सिस्टम सेटिंग है जहां से अपडेट वगैरह कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, स्लीप टाइमर हो गया। अदर सेटिंग में आओगे तो OSD टाइमर है एंड ब्लूटूथ वगैरह आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। अब गाइस चलो एक्चुअल आपको फुटेज दिखाता हूँ, कुछ इस तरह क्वालिटी आप देख पाओगे इसे, एंड वॉल्यूम वगैरह भी कंट्रोल इस तरह से आप कर सकते हो, डोंट वरी। ओके गाइस, यहाँ पे देखो मैं पूरा करीब आ चुका है, एंड यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज दिखाता है। पिक्सलेट तो बिल्कुल नहीं होता है, एंड ये जो अभी मैं स्क्रीन साइज करके रखा हूँ ये 170 इंच ही है। यहाँ पे फुल साइज में मैं देख रहा हूँ, एंड काफी अच्छा डिटेल्स के साथ आप देख सकते हो। ये जो लिजार्ड है इसका आंख आप देखो पूरा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, प्रोजेक्टर हमारा वहाँ पे, एंड वीडियो यहाँ पे चल रहा है, और काफी अच्छा डिटेल्स में आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा। चलो कुछ और वीडियो प्ले करते हैं एंड और देखते हैं किस तरह क्वालिटी हमें देखने को मिलता है। अब गाइस यहाँ पे आप व्हाइट देख सकते हो, परफेक्ट यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, कोई भी यहाँ पे कोई कलर मिक्स वगैरह नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, ब्लू वगैरह बिल्कुल नहीं है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे व्हाइट वगैरह है सारा चीज। एंड यहाँ पे देखो काफी अच्छा डायनेमिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। गाइस ये देख सकते हो आप वीडियो, यहाँ पे ब्लैक पूरा ब्लैक दिख रहा है, एंड जो कलर है ये पूरा कलर दिख रहा है। हाँ ऑफकोर्स काफी अच्छा सेचुरेशन लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आपकी आंखों को काफी अच्छा लगेगा। कलर वगैरह परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, डिटेल्स भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे डिटेल भी है, इससे पानी का बूंद आप देख सकते हो एक एक यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस वाइज हम यहाँ पे देखें तो कलर साइंस काफी अच्छा है इस प्रोजेक्टर का, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है केटल में जैसा आप देख सकते हो। मस्त इस प्रोजेक्टर को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स का मजा उठा सकते हो, और काफी अच्छा यहाँ पे आपको दिखेगा, बड़ा बड़ा सा लगता है सारा चीज, आपको ऐसा लगेगा कि आप मल्टीप्लेक्स में बैठकर मस्त मूवी देख रहे हो, एंड इस तरह से क्वालिटी आपको देखने मिलेगा। गाइस अभी आपको इनबिल्ट जो स्पीकर प्रोजेक्टर में लगा है इसका साउंड सैंपल आपको सुनाता हूँ। तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे की, क्या ये प्रोजेक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो अगर आपके पॉकेट में 2-3 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा है, यानी कि 12-13 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हो, तो 1080p प्रोजेक्टर आप ले सकते हो, साथ में आपको एंड्रॉइड 9 भी देखने को मिल जाएगा, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपका बजट अंडर 10K है तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्टर है ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा, साउंड भी अच्छा है, वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा आता है, और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस लेवल हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, सेचुरेशन हो गया, ये सब काफ़ी अच्छा दिखाता है। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्टर आप कंसिडर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। आई होप गाइस आपको काफ़ी मजा आया होगा ये वीडियो देखकर, क्योंकि हमने कुछ अलग प्रोडक्ट ट्राई किया है आपके लिए, और मैं खुद अपने लिए भी ये प्रोडक्ट चाह रहा था बाय करना, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर दिया, और आपको थोड़ा अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो देखकर। तो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी हिट कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी आता है। ओके मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।